बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं अभी आपको एक खबर से अपडेट करना चाहता हूँ। खबर क्या है यार, आपको पता चल चुका है कल से मास्क के मुतल्लिक पाबंदी यानी कि फिर से दोबारा से लगा दी गई है। आपको मास्क किसी भी आप आउटडोर हैं इनडोर हैं आपको लाजमी इस्तेमाल करना होगा। या आप किसी जगह पर अकेले में बैठे हुए हैं, कोई बंदा नहीं है आपके पास नज़दीक तरीन किसी पार्क वगैरह में, मैं इस वक्त पार्क में हूँ, तो वो यहाँ पर आप उतार कर रख सकते हैं, अकेले में बैठ सकते हैं। अगर आपके नज़दीक आवाम घूम रही है, आ रही है, जा रही है, तो फिर आपको बाई लाजम लगाना होगा। यानी कि आप रोड के ऊपर कहीं भी बैठ जाएँ उतार कर, तो फिर ममनू है, फिर आपको 1,000 रियाल का फ़ाइन है। अच्छा, इसके ऊपर 1,000 रियाल का फाइन जुर्माना तो है, ये तो हम सबको पता है, पहले भी था, अभी फिर से कह दिया गया है कि अगर नहीं कोई लगाएगा पकड़ा जाएगा वैसे तो उसके ऊपर 1,000 रियाल का फाइन होगा। लेकिन अगर वही बंदा दोबारा से मास्क उसने नहीं लगाया हुआ और वो पकड़ जाता है तो, और ऊपर से आगे से यानी कि वो बहस तकरार शुरू कर देता है, कि बहस में बहस शुरू कर देता है, नहीं मैंने लगाया हुआ था, मैंने नीचे ये नहीं, मैंने अभी ऊपर कर लिया है, यहाँ कौन सा कोई और है, मैं अकेला हूँ, ये है वो है, यानी कि आगे से वो तकरार शुरू कर देगा नेक्स्ट टाइम। पहली दफ़ा 1,000 रियाल का उसे फ़ाइन होगा, अगर दूसरी दफ़ा पकड़ा गया आगे से तकरार बहस बहस शुरू करेगा तो उसके ऊपर 1,00,000 रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है। जी मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ साथ में वो ट्वीट भी दिखा रखा हूँ, मास्क लाजम इस्तेमाल कीजिएगा, 1,000 रियाल का फाइन तो है। अगर आप भाई दूसरी दफ़ा पकड़े गए तो आपके ऊपर आपकी बहस और तकरार को देखते हुए 1,00,000 रियाल तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। अभी जाहिर सी बात है आज भी 750+ में केस रिकॉर्ड हुए हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अपनी और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें।